सीतामढ़ी जिले के डुमरा थाना पुलिस ने सहुई मोर से हथियार के साथ एक शातिर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी के पास से पुलिस ने एक पिस्टल, एक मोबाइल, एक जिंदा कारतूस और 6,000 नकद बरामद किया है। गिरफ्तार अपराधी की पहचान लगमा गांव निवासी दिनेश मातो के रूप में की गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि पुलिस को लोगों से बार बार शिकायत मिल रही थी कि ट्रक और मोटरसाइकिल की लूट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं दो दिन पूर्व डुमरा थाने में दिनेश मातो पर लूट मामले में एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी, जिसको लेकर डुमरा थाना पुलिस लगातार इसकी खोज में छापेमारी कर रही थी, जहां थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस को सफलता हाथ लगी। गिरफ्तारी टीम में डुमरा थानाध्यक्ष राकेश रंजन, रामजी यादव सहित कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। ब्रेकिंग न्यूज़ बिहार के लिए सीतामढ़ी से रंजीत कुमार की रिपोर्ट। अपनी शादी या किसी दोस्तों और रिश्तेदारों की शादी को बनाना हो खास, तो सोचिए मत, आज ही संपर्क करें राज दरबार उत्सव हॉल, नियरेस्ट न्यू प्रोफेसर कॉलोनी, दिनकर नगर, बिहाइंड ऑफ ममता होटल, बेगूसराय।